स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इकाई परीक्षण की पाठ योजना किस प्रकार से तैयार की जाती है। जब हम पाठ पढ़ा लेते हैं, इसके बाद ये देखना होता है कि उन्होंने कितना समझा, कितना जाना और किस प्रकार से अपने प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो इकाई परीक्षण या यूनिट टेस्ट का पाठ योजना बनाते समय उसका जो प्रारूप है वो किस प्रकार से बनाया जाएगा वो देखेंगे आज। जैसे पहले आवश्यक रिक्तियाँ, जो कि आवश्यक रिक्तियाँ करते थे, वो पूरी आवश्यक रिक्तियाँ भरी जाएंगी, जैसे कि छात्र अध्यापक का नाम, मतलब प्यूपल टीचर्स ने। दूसरा आता है आपका विषय। आप जिस भी विषय के हैं, चाहे केमिस्ट्री के हों, चाहे हिंदी के हों, चाहे इंग्लिश के हों, सभी को इकाई परीक्षण बनाना होता है। तो उसके लिए अपना सब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर रसायन विज्ञान वाले रसायन विज्ञान लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद प्रकरण में आएगा इकाई परीक्षण ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र का निर्माण। फिर आएगा आपका डेट, जिस डेट पे हम ले रहे हैं प्रैक्टिकल, वो यूनिट टेस्ट ले रहे हैं वो आएगा। किस कक्षा का ले रहे हैं, कौन से पीरियड में ले रहे हैं और टाइम लिमिट कितनी है, समय सीमा कितनी है। एक घंटे का है तो इधर एक घंटा आ जाएगा, 45 मिनट का है तो 45 मिनट आ जाएगा। जैसे पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य होते हैं, इसी प्रकार से इसके भी सामान्य उद्देश्य या जर्नल एम्स होते हैं। जर्नल एम्स जो होते हैं वो वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस के आधार पर होते हैं कि आज हमें क्या करना है। इकाई परीक्षण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, छात्रों का जो ज्ञान प्राप्त किया है, जितना उन्होंने समझा है, उसका पता लगाना। एक समय सीमा में वो प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, उसका पता करना। फिर आते हैं आपके विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक एम्स, जैसे ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक और अनुप्रयोगात्मक हम लिखते आए हैं। तो हमारे उद्देश्य पूरे हुए कि नहीं हुए, जब हमने पाठ पढ़ाया था बच्चों ने कितना समझा, कितना ज्ञान प्राप्त किया, कितना समझा और कितना कौशल उनको आया। फिर हम देखेंगे उनको प्रीवियस नॉलेज कितनी है। जैसे पाठ योजना बनाते हैं वैसे ही ये प्रारूप होता है। प्रीवियस नॉलेज क्या है, पूर्व ज्ञान क्या है, वो परीक्षा का एग्ज़ाम देना जानते हैं, परीक्षा देना जानते हैं, इसलिए उनको प्रीवियस नॉलेज तो है कि परीक्षा किस प्रकार से दी जाती है, किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं, तो इसका ज्ञान उनको है। सामग्री क्या क्या लगेगी। फिर आती है आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में हमको पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, पेपर चाहिए और कॉपी चाहिए। यह सब आवश्यक सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा, यह एसेंशियल एड्स होती हैं। इसके बाद जो मेन पॉइंट है हमारा, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमको ब्लूप्रिंट के आधार पर पाठ योजना बनाना है। तो इस पाठ योजना को बनाने के लिए हमें तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला हमारा आता है उद्देश्य क्या है। उद्देश्यों के आधार पर हम अंक भार देंगे। तो तीन मुख्य टेबल बनेंगी, पहले ब्लूप्रिंट बनाने के लिए तीन टेबल्स बनेंगी। पहली बनेगी हमारी उद्देश्यों के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर अंक भार, अंक भार। उद्देश्य हमारे कौन कौन से, पहला उद्देश्य हमारा था ज्ञानात्मक, ठीक है, नॉलेजेबल। दूसरा था हमारा अंडरस्टैंडिंग या बोधात्मक। तीसरा हमारा है कौशलात्मक या स्किल, ठीक है। चौथा उद्देश्य है हमारा अनुप्रयोगात्मक या एप्लीकेशन। अब इसके आधार पर जो टेबल बनेगी तो उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, चार पार्ट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स। कौन सा, ये चारों ऑब्जेक्टिव्स हम लिख लेंगे, ज्ञानात्मक। दूसरा हम लिखेंगे बोधात्मक। तीसरा हम लिखेंगे कौशलात्मक। और चौथा उद्देश्य जो हमारा पूरा हो रहा है, जो चौथा उद्देश्य हमारा पूरा हो रहा है वो है अनुप्रयोगात्मक।
अब जब पेपर बनाते हैं तो उसमें प्रश्नों की संख्या भी आती है, कितने हमें प्रश्न किस किस उद्देश्य के लेने हैं। तो प्रश्न कितने प्रकार के हमने देखे हैं, तीन प्रकार के देखे हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय भी कह लेते हैं उसको, हम किस में ले लेते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ले लेते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर कितना कितना अंक दिया जा रहा है, सबसे पहले हमको निश्चित करना है कि कितने अंक का पेपर बना रहे हैं। माना कि हम 25 अंक का कुल पेपर बना रहे हैं कि 25 अंक का पेपर है, ठीक है। तो किस उद्देश्य को कितने अंक दिए जा रहे हैं ये भी निश्चित होना चाहिए।